सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अदर न्यू व्लॉग। एक बार फिर सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ एक कैफे जिसका नाम है कैफे सा करके। रोहिणी सेक्टर 16 के आसपास है ये कैफे, तो हमने बहुत खोज के ये जगह निकाली है। तो सुना है वहाँ का खाना पीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और प्राइस वगैरह भी बहुत मिनिमल है। तो अब आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, रास्ते में देखते हैं, चलते हैं फटाफट से और उसके बाद हम जाएंगे रात को चाय वगैरह पीने भैया के साथ। तो वो सारा मतलब एन्जॉयमेंट होने वाला खाने पीने के ऊपर। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट और मिलते हैं आपसे रास्ते में। सो गाइज, आज हम आ रखे हैं रोहिणी में कैफे सा। DTU कैफे है जहाँ का भाई खाना, मैं पहले भी आ रखा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ का जो खाना है ना काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है और बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो आज देखते हैं, मैं आपको पहले कैफ़े का ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद खाने का प्राइस वगैरह मेन्यू वगैरह दिखा दूँगा और टेस्ट वाइज हम आपको सब बताएँगे। अभी ऑर्डर कर दिया है, एक बार आने के बाद सारा खाना पीना जो भी होगा आपको टेस्ट करके बताते हैं। सो गाइस, यहाँ के कैफ़े की बहुत ही ज़्यादा खास बात है कि यहाँ पर यह है कि आपको पूरा अपना टाइम मिलता है मतलब इन्जॉय करने के लिए। खाना वाना भी बहुत अच्छा है यहाँ का टेस्ट में, और यहाँ पे यह है कि आपको बैठो आराम से, कंफर्ट जोन है पूरा। मतलब ये है कि यहाँ पर आपके हाथ में ना TV के आगे रिमोट दे दिया जाएगा कि बैठो आराम से अपना TV में, जो आपको देखना है इन्जॉय करो, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। जो मर्जी बैठो, खाओ पियो, मौज करो, आराम करो। गेम्स भी यहाँ पर रखी हुई हैं जैसे चेस वगैरह, ऊनो वगैरह, अगर कोई खेलना चाहे टाइम पास करने के लिए तो यहाँ पर वो भी फैसिलिटीज़ हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मतलब जो कैफ़े का यहाँ का थीम है ना, वो मतलब थोड़ा बहुत राजस्थानी स्टाइल में है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा होगा कैफ़े सा। तो वहाँ पे देखा होगा आपने जयपुर साइड, या एक रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे लोगों की कि हर चीज़ के पीछे सा लगाता है, तो ऐसे यहाँ पे कैफ़े का नाम है कैफ़े सा, जो मतलब राजस्थानी बेस्ड थीम है। और मतलब सिटिंग वगैरह भी आपने देखी यहाँ पर राजस्थानी स्टाइल ही है, मतलब लाइक टायर्स वगैरह, सिटिंग वगैरह जो भी है। और यहाँ मेरे पीछे है किचन यहाँ की कैफ़े की, और अंदर साइड पर है सिटिंग। तो अब खाना भी हमारा आ चुका है, तो थोड़ा सा टेस्ट करके बताते हैं खाना वगैरह कैसा है यहाँ का। सो फाइनली गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने घर पे कैफे से, अपना पेट वगैरह भर के। और मतलब जो खाना था ना भाई, सच बता रहा हूँ, जितना प्राइस था ना उसमें क्वांटिटी एक तो ज़्यादा थी, और जो टेस्ट वाइज बात की जाए तो टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ओवरऑल खाना अच्छा था उसका, मतलब जो भी था। बाकी अगर आज का छोटा सा ये व्लॉग पसंद आया हो आपको, तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और भाई को सपोर्ट करना है। बाकी अब आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।